सेट है जो मम्मी सी रहे हैं बैठ के, और अच्छा से सी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि पूरा रेडीमेड यही होता है ना भाई। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग भाई? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज फाइनली आज कहीं और निकल रहे हैं, दोनों सिस्टर को लाने के लिए जा रहे हैं। नानी घर में पड़ा हुआ हो, उनको लाने के लिए बोले थे, ऐसे तो विदा करने के लिए नहीं, पहले से नकड़ नुकड़ करते थे, बट अभी गए थे तो बोले थे 15 तारीख का, तो आज पूरा 21 तारीख, 6 दिन लेट जा रहे हैं क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था। और मम्मी से भी शर्ट के बटन सिवा रहे हैं क्योंकि शर्ट का बटन टूटा हुआ था और निकल गया, तो वहाँ पर बाहर में कौन सी जगह यार, इसलिए यहाँ पर फिटिंग वटिंग करवा के जा रहे हैं। देखा सेट है जो मम्मी सी रहे हैं बैठ के, और अच्छा से सी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मतलब कि पूरा रेडीमेड यही होता है ना भाई कि बटन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, निकल के गिर जाता था बाहर में, फिर कौन सुइया डोरा थोड़ी लेके कोई आदमी चलता, किसको हम बोलेंगे। तो इसलिए मम्मी से सारा काम मम्मी से करवा लेते हैं अभी, उसके बाद आराम से निकल जाएंगे। खाना नाश्ता कर लिए, बस खाना खाना होगा। संडे भी है तो संडे मंडे को, मंडे या ट्यूजडे को आ जाएंगे, तो खैर एक दो दिन वर्कआउट जाएगी लेट, बट क्या ही कर सकते हैं, काम है तो करना पड़ेगा, नहीं घर का काम है तो करना पड़ेगा। तो देखते हैं कब तक निकलते हैं, निकल के फिर आपसे आप लोग से सारा कौन दोस्त ना ना वहाँ तो 24 तारीख को जाना है ना, हाँ तो आज पूरा दिन मजा आने वाला है इस ब्लॉग में, क्या कि ट्रैवलिंग का पूरा दिन दिखाते रहेंगे, जहाँ पहुँचते रहेंगे वहाँ एकदम करते रहेंगे, हमको ऐसे भी तो कोई आश्रम है ना जहाँ रहते हैं वहाँ ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग का प्यार है बस दिखाते रहिए। मम्मी बाहर है, दादू जी साहब छोड़ने के लिए जा रहे हैं, हम ऑटो का वेट कर रहे हैं। आ रहा भाई, आ रहा है, आ जाओ तो आ जाओ। फाइनली यार गया गोलमीघा पहुँच चुके हैं, और यहाँ से धरना हम लोग को, हमको नदी ऊपर का गाड़ी टेम्पो, और वहाँ से पास था ना, चलिए ट्रैवलिंग करने में मज़ा आ रहा है, कुछ नज़ारा हमारे भैंसे चल रही है मस्त। यार जहाँ पहुँचना तो वहाँ पहुँच गए, इस्लाम पहुँचता है यहाँ आके भाई, पूरा ठंडा पड़ा हुआ, मतलब बारिश हो रहा है यहाँ पर, कोई ऐसा हम जैकेट नहीं लिखा है, उधर रौदा हो रहा था, तो देखिए यहाँ भी रौदा होगा, बट यहाँ उल्टा उल्टा पासा पड़ा हुआ, समझे में नहीं आ रहा काम, पूरा ठंड लग रही है। भैया को बोले मतलब थोड़ा दिन आ रहा है, ब्लॉगिंग कर रहे हैं यार, लाला अपने कर ना, भूख लग चुकी है क्योंकि सुबह से खाए नहीं हैं, और नाश्ता करके निकले थे तो अभी 2-3 बज रहा था भाई, ऑफिसली भूख लगेगा, तो बुलाए हैं भैया को, मतलब कि आ रहे हैं, बोले कि आ रहे हैं, अभी निकले वहाँ से, मतलब 5-6 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से चलते हैं डायरेक्ट, उसके बाद वहाँ भी आपको दिखाते हैं। आइए है इस्लामपुर का हाल, पूरा ठंड है, पूरा बारिश हो रहा, मतलब थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा, दिखाते हैं कुछ नज़ारा भाई ऐसा कि देख पा रहा, पूरा दम बैकग्राउंड में देख, एक मिनट दिखाते हैं, बारिश पर देखिए पूरा बारिश पड़ रहा है इस पर, यही पूरा बारिश, मतलब बारिश थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है, इधर दुकान उकान भी खुला हुआ है, बट कस के पड़ रहा है यार, और ठंड भी लग रही है, भूख भी लगी हुई है, तो देखते हैं। अभी बिक रहा है अंडा वंडा सारा चीज़, तो अंडा हम खाएंगे नहीं, और हमारा तो फुचका खाना रहता है, तो फुचका के सेंटर पर जाते हैं, देखते हैं, क्योंकि हम फुचका ही खाते हैं, तो हमको बस खट्टा पसंद तो यही खाते हैं यहाँ, ये है फुचका सेंटर, यहाँ पे एक आदमी घूम है, आदमी कहाँ पता नहीं कहाँ गया, कहाँ गए जय, फुचका खा लिया, अब कुछ और खाते हैं क्योंकि पेट नहीं भरा, 8-7 को फुचके खाए, तो अब खाते हैं क्या बेच रहा है ये, पकौड़े ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा खाने भाई, यहाँ ना चाउमीन 50 रुपीज़ प्लेट है, हम लोग की तरफ 30 रुपये प्लेट या मिनिमम 40 रुपये प्लेट रहता था, फिर बोले कि नहीं खाते हैं यार, क्योंकि यहाँ बाहर में सेविंग भी बहुत ज़रूरी है, मतलब यहाँ पे कोई देता नहीं है पैसा वैसा कुछ, मस्त अभी खाना खा लें, अब है जब पेट जाके कुछ खड़ा है, कभी इंतज़ार करें भैया को, भैया आते तो डायरेक्ट जाते हैं उनका छोटी बहन के पास, उनको लाते हैं उसके बाद वहीं आपको मिल जाएगी। मेरा भैया है जो यहाँ पे आए थे लेने के लिए, तो मार्केट में वहाँ से आ चुके हैं, वहाँ से आने के बाद वहाँ पे विदा नहीं किए हैं, लेकिन नाना वहाँ नहीं थे, कोई आदमी जो मेन किया वो नहीं था, तो हम सोच बोले कि ठीक है सवेरे आएंगे, सवेरे बात करेंगे, और जन्नी का जानते लफड़ा कैसा रहता है, थोड़ा चढ़ बढ़ के बोल रहा था, तो हम उससे बात नहीं किए, तो फिर बोले कि कल आते हैं सुबह मॉर्निंग में, आप मिलवाइए, बोला जाएगी जैसे तैसे माना है तो माना है, और भी है जो इस्लामपुरे में है, भैया गाड़ी पे हैं, और इतना सारा शॉपिंग कर लूँ कर चुके हैं, और जाना है घर में, यहाँ से काफ़ी जाते हैं, देखिए गए हैं फिर प्याज लाने के लिए, प्याज कम गया था, सभी ला कर आए थे फिर प्याज कम गया, पता ही कमंडल छूट गया था, कमंडल का दही
जब हरा हुआ था मंडल छूट गया था, तो भगवान वाला बेचारा इंसानियत दिया दोबारा, देखते हैं कब तक पहुँचते, बड़ा ये हो रहा है। एक ऐसे भी घर पे आ चुके हैं, मतलब यहाँ पे भाई ब्लॉगिंग करने में ना बहुत दिक्कत हो रही, तो खाना वाना अभी हो चुका है, बेड पे आ चुके हैं जैसा, मस्त टी शर्ट पहना भाई का, यहाँ का जो भाई है मेरा छोटा, उसका टी शर्ट पहना, मोटी मोटी बात दिख रहा, पता है यहाँ पे बुआ क्या कह रहे थे कि अब बहुत दुबला आ गया, तो कोई नहीं मोटा जाएंगे टेंशन से। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे, आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन घंटे को जरूर प्रेस कीजिएगा।